Greetings to all. I welcome you all to the second session of tenses. हमने पहले से ही present indefinite tense पढ़ा, उसके बारे में जाना, उसमें किस तरीके से हम verb की पहचान करते हैं, उसके keywords देखे हमने और किस तरीके से उसमें according to the subject हम changes करते हैं, ये देखा। SES और IES को कैसे चेंज करते हैं, उनके रूल्स देखे। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूं। अगर कभी भी कोई हिंदी का वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आता है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। रहा है, रही है, रहे हैं, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब आप उसकी अगर इंग्लिश बनाएंगे तो उसमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही रूल्स अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला का मतलब है कि जो सामान्य रूप से लगाया जाता है। इसका जो जनरल फार्मूला है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ध्यान देने वाली बात है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं इज, एम, आर। ये जो इज, एम, आर है, ये अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, इनका अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ यूज है, वो भी हम रूल्स में देखेंगे। तो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, यानी यहां पर आपके इज, एम, आर आएंगे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी और उसके बाद ही आपका कोई सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट फॉर्म करेक्ट बनेगा। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आपको पहचानना है और आपको कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस दे रखा है, तो कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम एडवर्ब्स भी कहते हैं। अगर वो उनके अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब देख के चूज करके लगा दो और आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो जाएगा। ऐसा 10th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में, यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो आपको सिर्फ इनको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला हमारा नाउ। नाउ यानी अब। अगर ये किसी भी सेंटेंस में आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो वर्ब आएगी वो आईएनजी की फॉर्म में होनी चाहिए। टुडे यानी आज, टुनाइट यानी आज की रात। अगर ये दोनों किसी भी सेंटेंस में इंग्लिश के आ रहे हैं तो आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि वहां पर वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब फिलहाल, अभी हाल में ही, तुरंत, मतलब आप जो काम करते हो उसको फिलहाल कहते हैं। तो एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दोनों का इसी क्षण, इसी पल या अब, ये दोनों जो हैं, ये भी अगर किसी इंग्लिश के सेंटेंस में आ रहे हैं तो इससे ये साबित हो जाता है कि वहां पर जो वर्ब आने वाला है वो आईएनजी की फॉर्म में ही होगा। एट दिस टाइम यानी इस समय, ये अगर आपको सेम टू सेम लग रहे होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिए जाते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, तीनों का मतलब एक ही है, इस क्षण, इस पल या इस समय या अब। तो इन में से कोई भी अगर आपको नजर आता है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में और वहां पर आपको वर्ब की फॉर्म कोई फिल करनी है, तो आप याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। इसके बाद किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर कंटिन्यूअसली आ रहे हो, कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, कॉन्स्टेंटली का भी मतलब होता है लगातार। तो अगर ये दोनों चीजें आ रही हैं,
किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में, तो भी आपको निश्चिंत होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। इसके साथ इन दीज डेज, अगर फिलहाल के दिनों में, इन दीज डेज यानी आने वाले दिनों में या अब के दिनों में, अगर ये आपको आता है तो भी आपको इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही प्रयोग करना है। अगर किसी सेंटेंस में आपको लुक और लिसन मिलता है, इन सबको हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, एग्जांपल के साथ आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा, जिसके जो भी आपको दिक्कत आएगी इसमें। अगर लुक और लिसन कहीं पर आपको मिलता है तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा। दूसरा वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। इफ फर्स्ट सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जहां जो सेंटेंस होते हैं जो लेट से शुरू हो या लेट से शुरू हो, या जहां पर सिर्फ क्या कहते हैं आदेश दिया जाता हो या रिक्वेस्ट दिया जाता हो, या काइंडली से शुरू होते हो या प्लीज से शुरू होते हो, रिक्वेस्ट की जाती है, तो वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव। तो ऐसा सेंटेंस अगर आ रहा हो तो उसके साथ का जो भी नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, और उसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस का हम दोबारा देख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रार्थना सूचक जो वाक्य होते हैं, या आदेश सूचक, जिसमें आदेश दिया जा रहा हो, या जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, या जिसमें कोई सलाह दी जा रही हो, इस तरीके के जो होते हैं वाक्य, उनको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनके अंदर कर, अगर आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, अगर एक के अंदर आपको इंपरेटिव मिल रहा है तो दूसरा सेंटेंस जो होगा उसके अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाना है। इस बात का बच्चों ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इफ फर्स्ट सेंटेंस इज इंपरेटिव देन नेक्स्ट सेंटेंस हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि अगर आपका पहला जो सेंटेंस है किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, काइंडली आ रहा है, या प्लीज आ रहा है, या कोई आदेश दिया जा रहा है, डोंट आ रहा है, तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक है, उसके अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट चीज हैं, याद रखना है आपको ये। इसका यूज मैं आपको आने वाले उसमें बताता हूं, फिलहाल हम इसके रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या हैं? आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा था कि हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इज, एम और आर। तो ये जो एम है इसका यूज हमेशा आई के साथ होता है, आई के साथ, यानी हमेशा जहां पर भी आई आ रहा होगा, यानी हिंदी में मैं, तो आप हमेशा एम का प्रयोग करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाकर आप उस वाक्य को बनाएंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरा रूल कहता है अगर आपका जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता वो वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट में आप किसी भी चीज में सिंगुलर में एस लगा दोगे तो प्लूरल हो जाएगा, जैसे टीचर्स, टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, ठीक, ये सारे क्या हैं? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर आपका ही शी इट वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट मिलता है, यानी कि टीचर्स स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है, तो आप उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपको इस्तेमाल करना है आर। इसके साथ आपका आएगा वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, कोई भी हो,
जिस जो भी बहुवचन आपको लगेगा वहां पर आ रहेगा, यानी बहुवचन सब्जेक्ट हो, इनमें से कोई चीज आ रही हो, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बस बात ही खत्म है। तो इस बात को ध्यान रखना, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट, ही शी इट या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन करता, और टीचर का एक वचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टीचर, स्टूडेंट्स का एक वचन बनाएंगे तो ऐसा हट जाएगा स्टूडेंट, बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं एक वचन बनाना है बॉय हो गया, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां एक बनाना है गर्ल्स हो गया, गर्ल हो गया, गर्ल्स का गर्ल हो गया, तो इस तरीके से ये सारे एक वचन हो गए। तो ही शी इट हो, कोई नाम हो या एक वचन करता हो, इसके साथ नाम भी आप ऐड कर लो, कोई भी नाम हो, राम मोहन सीता और नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, तो अगर कोई भी नाम हो किसी भी चीज का तो आप इसमें क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। आपको तीन हेल्पिंग वर्ब बताए गए थे, इसका प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और इज का प्रयोग इज, इसका प्रयोग आपका ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो तो आपको पता ही है हमेशा लगेगी, जब भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना ही लगना है। सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करोगे, हेल्पिंग वर्ब यहां पर तीन दे रखे हैं, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ, इस का प्रयोग हमेशा ही शी इट और सिंगुलर नाउन या नाम हो, कोई भी नाम, आपके दोस्त का नाम राधा मोहन कृष्ण कोई भी नाम, और आर का प्रयोग वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखने वाली और याद रखने वाली बात है, प्रैक्टिस के लिए हम 8-10 क्वेश्चन लेंगे और आपको बात सारी समझ में आ जाएगी। इस चीज को मैं रब नहीं करूंगा, इस चीज को यहां तक मिटाने के बाद यहां पर हम 4-5 एग्जांपल्स करेंगे और आपको बात समझ में आ जाएगी। तो याद रखने के लिए आपको एडवर्ब्स बहुत जरूरी हैं और ये रूल बहुत जरूरी है, इसके अंदर आपको ये याद जरूर रखना है कि कौन से कर्ता के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। अगर आप ही शी इट के साथ आर लगा दोगे नंबर नहीं मिलेंगे, आई के साथ इज लगा दोगे नंबर नहीं मिलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे लगाना है, आईएनजी लगाने के भी कुछ रूल हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो हम अभी जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसके अंदर हम इन सारी चीज को देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे लगाया जाता है, ही शी इट और इन सब का यूज जब हम करते हैं किसी सेंटेंस में तो हमें और क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, एडवर्ब्स को हम किस तरीके से सेंटेंस में देखने के बाद पहचानते हैं, और फिर कैसे हम वर्ब को